दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था आप कैसे क्रेड एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बना सकते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करके आप कैसे कैशबैक रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दिखाएंगे आप कैसे अपने क्रेडिट कार्ड का जितना भी बिल जनरेट हुआ है उस बिल को आप कैसे पे करेंगे और आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे क्रेड एप्लीकेशन से आपको कितना रिवॉर्ड्स मिलता है आप जब अपने क्रेडिट कार्ड्स की बिल पेमेंट करते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं जाता हूँ कार्ड्स पे। कार्ड्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बिल दिख जाएगा आपके क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट जितना भी बिल जनरेट हुआ है या फिर अपकमिंग अनबिल्ड अमाउंट कितना है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अभी तक मैंने कुछ भी परचेज नहीं किया है इस मंथ में, इसीलिए यहाँ पे अनबिल्ड अमाउंट यहाँ पे 00 दिखा रहा है। लेकिन मेरा प्रीवियस मंथ में यानी कि मार्च में जितना भी बिल जनरेट हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इतना अमाउंट मेरा बिल जनरेट हुआ है। अगर आप मिनिमम पे करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मिनिमम पे कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमेशा रिकमेंडेड यही रहता है आपके क्रेडिट कार्ड में जितना भी बिल जनरेट हुआ है वो आप टोटल अमाउंट ही पे करें। तो यहाँ पे मैं टोटल अमाउंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मल्टीपल पेमेंट मेथड आपको मिल जाएगा, आप अपने सुइटेबल पेमेंट मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे यूज करूंगा क्रेड एप्लीकेशन के इंटरनल जो UPI फैसिलिटीज है वो फैसिलिटीज यूज करके ही मैं यहाँ पे पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पे पे नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे कि ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इसीलिए मुझे अपना UPI सेटअप करना होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ, कौन सा सिम पे मेरा UPI रजिस्टर्ड है वो आपको सिलेक्ट करना है, आपका UPI अकाउंट जिस भी नंबर पे आपका एक्टिवेटेड है वही आपको सिम सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपके सिम में रिचार्ज होना चाहिए, मिनिमम ₹1 आपका मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका BSNL वगैरह का सिम है या फिर एयरटेल वोडाफोन या फिर आपका अनलिमिटेड पैकेज रिचार्ज किया हुआ है तब तो आपको SMS चार्ज का जरूरत नहीं है, आपका SMS सेंड हो जाएगा और आपका UPI अकाउंट जो है सक्सेसफुली यहाँ पे भी किप हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं UPI अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली इनिशिएटेड हो गया है और UPI अकाउंट यहाँ पे इनिशिएट होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप अभी पे कर सकते हो UPI ID से। तो यहाँ पे अपना पेमेंट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे जितना भी अमाउंट है आपको सिंपली यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपका अपना UPI ID यहाँ पे देके सिंपली ओके कर देना है और आपका सक्सेसफुली क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट प्रोसेसिंग हो रहा है और यहाँ पे पेमेंट हो गया है और मुझे सक्सेसफुली यहाँ पे क्रेड कॉइन्स भी मिल गया है। तो यहाँ पे मैं क्लेम कैशबैक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक स्पिन का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे स्पिन कर देता हूँ तो और यहाँ पे देख सकते हैं ₹25 का मुझे कैशबैक मिल गया है और यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट करने के तुरंत बाद ही यहाँ पे ही क्रेडिट कार्ड के तरफ से भी यहाँ पे मैसेज आ गया है कि सक्सेसफुली यहाँ पे पेमेंट रिसीव हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रेड एप्लीकेशन एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होने के बावजूद भी कितना जल्दी प्रोसेस करता है और क्रेडिट कार्ड में भी बहुत ही जल्दी फैच भी हो जाता है, आपका पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पे चला भी जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कॉइन्स और बैलेंस, और यहाँ पे बैलेंस को यूज करके मैं अपना बिल पे भी कर सकता हूँ, मोबाइल रिचार्ज वगैरह सब कुछ यहाँ पे कर सकता हूँ। तो आप भी ऐसे ही क्रेड एप्लीकेशन को यूज करके अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स पेमेंट करके आप कैशबैक जीत सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपना क्रेड अकाउंट नहीं बनाया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो आप वहां से अपना क्रेड अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड विद रेली ऑन।